शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री और बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर, लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंगीय धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क नितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। खंडवा में आज हिंदू जागरण मंच, सर्व आदि समाज सेवा संगठन समिति ने मुख्यमंत्री के नाम पुलिस अधीक्षक दिया ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया कि अंकिता पिता राजाराम मदनी केस में अपहरण का प्रयास व लव जिहाद धारा बढ़ाई जाए एवं भील समाज की अन्य घटनाओं पर कठोर कार्यवाही की जाए। विगत दिनों अंकिता पिता राजाराम द्वारा अपने पति एवं ससुराल परिवार के साथ रिपोर्ट आशापुर थाने दर्ज करवाई है, जिसमें वास्तविकता यह है कि शहबाज मुझ शादी करने का दबाव बनाता था, मेरी शादी से नाखुश होकर मेरा अपहरण का प्रयास किया गया। शहबाज व एजाज द्वारा वहां उपस्थित लोगों द्वारा मुझे बचाया गया, मेरे अपहरण की साजिश विफल हो गई। फिर शहबाज धमकी दे रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए शादी तो तेरे से ही करूंगा, तुझे व तेरे पति रोहित को शांति से जीने नहीं दूंगा, मेरे पति रोहित की भी जान का खतरा है। भील समाज के हम सभी समाज जन इस घटना का विरोध करते हैं, अपराधियों पर अपहरण का प्रयास व लव जिहाद की धारा बढ़ाई जाए। हमारे भील समाज डोंगरी गांव के जावर थाना अंतर्गत नाबालिग सपना पिता गोकुल को भी उस्मान द्वारा अपहरण किया गया है, जो आज तक नहीं मिली है, उसे तुरंत ढूंढा जाए। एवं तीसरी घटना बोरगांव थाना अंतर्गत राजोरा गांव की, जिसमें खंडवा के बंगाली कॉलोनी में बलात्कार हुआ था, उस बलात्कार वाले अवैध मकान को तुरंत तोड़ा जाए। हिंदू जागरण मंच निवेदन करता है कि तीनों घटनाओं पर तुरंत कार्यवाही की जाए, जिससे में लव जिहाद की घटनाओं पर विराम लगे। करता था तुम्हारे साथ, दबाव बनाता था, क्या करता सब बता, परिचय बता। हाँ बहन, आज आप ऑफिस आए हो अपने समाज के लोगों को लेके, क्या मामला है, कौन आपको परेशान कर रहे हैं, आपके साथ क्या घटना हुई? सर मेरी बिताकी हुई, इसके बाद में हम गए और वहाँ पे इन दो लड़कों ने आके हमारे रास्ते में कार का सामने आके गाड़ी रोक दी और उन्होंने मेरे पति पे हमला किया, हम पे हमला किया और हमारे साथ जबरदस्ती करने लगा और बोलता कि मैं तेरे से शादी करूंगा और मेरे पति को मारने लगा। तो इस वजह से वो ड्राइवर संदीप ने आके उनकी जान बचाई। कौन दो लोग थे? शहबाज और एजाज, राम मदनी के रहने वाले। कौन आपसे शादी करना चाहता था? शहबाज। अच्छा, पहले भी आपको परेशान? पहले भी गांव में परेशान किया, उन्हें दबाव डाला, उनके चाचा इनके दबाव से दबाव डालना चाहता था कि हम तुम्हारे परिवार को मार देंगे, ये कर देंगे। अपना परिचय बता दीजिए। जी मेरा नाम अंकिता तांगोड़े। विषय यह है कुल मिलाकर कि जो जो हमारा जो गांव है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और वनवासी आदिवासी समाज रह रहा है, वहां हमारी आदिवासी हिंदू बहनों को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। मदनी में की अंकिता, जिसको कि विगत दो वर्षों से शहबाज सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा था कि मेरे साथ निकाह कर ले, इस्लाम कबूल कर ले, और अंकिता जब उसकी शहबाज की मर्जी से उससे निकाह नहीं करती, इस्लाम कबूल नहीं करती, उसके परिवार की मर्जी से पास के ही गांव बलवाड़ा में शादी करती है, तो हिम्मत देखो एजाज की, शहबाज की, कि वह अपने मित्र को साथ में लेके उस बहन की लौटती हुई बारात के आगे गाड़ी लगाकर उसके अपहरण करने का प्रयास करता है। उसके अपहरण करने के प्रयास के साथ साथ उसके दूल्हे को उसके वर के साथ मारापीटी करता है, उसे दोष देता है कि जिस दिन भी गांव में आएगा हम तेरी हत्या कर देंगे, तेरे को जान से मार देंगे, वरना एक दिन के अंदर अंदर अंकिता को हमारे पास एक दो दिन के अंदर वापस पहुंचा देना। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हो रही है यह तुरंत रुकना चाहिए और ये अपराधी, ये आरोपी जिन अवैध कामों के बदौलत इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, इनके उस क्षेत्र में जो चल रहे अवैध काम है वो अवैध काम तत्काल बंद होना चाहिए, इनके घरों की सर्चिंग होना चाहिए, क्योंकि उन अवैध कामों के कारण इनके घरों में कई प्रकार के हथियार रखे हुए हैं, जिन हथियारों की वजह से वहाँ के आदिवासी समाज, वहाँ के वनवासी समाज को डराया, धमकाया और उसमें भय व्याप्त करवाया जाता है कि तुम कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जिसको जो पसंद आ जाए वो लड़की हमको चाहिए। इसी प्रकार की एक घटना प्रास में डोंगरी गांव में हो चुकी है, 16 साल की नाबालिग लड़की आज भी नहीं आई है। तो ये सब गतिविधियां इस प्रकार की रुकना चाहिए, इनके घरों की सर्चिंग होना चाहिए, इनके अवैध काम तत्काल रूप से बंद होना चाहिए और जो शहबाज ने जो कृत्य किया है उस कृत्य के लिए उसने जो धर्म परिवर्तन के लिए इस पर दबाव डाल रहा था 2 साल से, वो धाराओं में भी केस लगना चाहिए
धर्म परिवर्तन के साथ अपहरण की भी धारा लगना चाहिए, इन विषयों को लेकर आज समाज जो है यहाँ SP ऑफिस आया था। हमें उम्मीद है कि इस पे कार्रवाई होगी।